हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की साइंस का, ये है आपका चैप्टर 3, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसकी हिंदी हो गई सूक्ष्म जीव। तो आज इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप, टर्म 1 की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म 1 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए बिल्कुल एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए, ठीक है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग कौन से हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव, पहले तो हम ये समझ लेते हैं सूक्ष्म जीव कहते किसको है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव यानी वैसे जीव जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या फिर आवर्धक लेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दही में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि चीनी के अल्कोहल में बदलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, ठीक है। चीनी के अल्कोहल में बदलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है किण्वन, ठीक है। फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहे तो, और हिंदी में किण्वन, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि किण्वन प्रक्रिया की खोज कब और किसने की, ठीक है। किण्वन प्रक्रिया की खोज कब और किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुई पाश्चर, ठीक है। लुई पाश्चर जो थे उन्होंने ही किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व का पहला प्रतिजैविक कौन है, ठीक है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, जो कि हम लोग बीमार पड़ने पे लेते हैं ना, तो वही एंटीबायोटिक, उसका हिंदी होता है प्रतिजैविक। तो विश्व का जो पहला प्रतिजैविक यानी पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, तो उसका नाम था पेनिसिलिन। नाम आप याद रखेंगे, पेनिसिलिन पहला प्रतिजैविक था, पहला एंटीबायोटिक था, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6 में कि पेनिसिलिन की खोज कब और किसने की थी, ठीक है। पेनिसिलिन जो कि क्या है, एक एंटीबायोटिक है, वो भी विश्व का पहला एंटीबायोटिक है, तो इसकी खोज कब और किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में की थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की जो है आपका एंटीबायोटिक, उसकी खोज की थी, कब की थी, तो 1928 में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं तो आप डेट भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार कब मिला, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार है ये कब मिला था, तो आप डेट याद रखेंगे यहाँ पे 1945 को पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार मिला था। इस क्वेश्चन पे आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि टीबी किस जीवाणु द्वारा फैलता है। टीबी जो कि एक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबर क्यूलोसिस, ठीक है। ट्यूबर क्यूलोसिस नाम याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है, टीबी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्यूबर क्यूलोसिस, जो कि एक बीमारी है। तो पूछा गया है कि ये जो बीमारी है टीबी, ये किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो जीवाणु है ना, यहीं पे इसका फुल फॉर्म भी छिपा हुआ है, ट्यूबर क्यूलोसिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि टीबी की फुल फॉर्म है, और जीवाणु का नाम आप याद रखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीबी किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी टीबी जो बीमारी है इसमें कौन सा अंग हमारे शरीर का प्रभावित होता है, तो ये होता है हमारा फेफड़ा, ठीक है। टीबी में फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि मलेरिया के वाहक कौन है, यानी किनके द्वारा मलेरिया फैलता है। तो ये है मादा एनोफिल मच्छर, ठीक है। मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस मच्छर का नाम क्या है, तो ये मादा एनोफिल है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेंगू के विषाणु के वाहक कौन है। डेंगू भी जो है ये भी मच्छर के द्वारा फैलता है, आप लोगों को पता होगा, तो इसका भी नाम क्या है? तो ये है देखिए मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर, ठीक है आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये एनोफिल था और ये है एडिस, बाकी दोनों मादा ही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, ये मलेरिया की दवा कुनैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मलेरिया की दवा का यहाँ पे नाम बताया गया जो कि है कुनैन, ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है पूछा जा सकता है कि मलेरिया की दवा इनमें से कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है कुनैन, ठीक है। तो मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, ठीक है। मलेरिया की दवा जो की है कुनैन वो किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सिनकोना। सिनकोना वृक्ष के छाल से मलेरिया की दवा जो कि है कुनैन वो बनाई जाती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि एंथ्रेक्स रोग का जीवाणु कौन है। एंथ्रेक्स रोग का जीवाणु कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो एंथ्रेक्स रोग है ये मनुष्य में भी होती है और मवेशियों यानी कि जानवरों में भी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने और कब की थी, ठीक है। ये जो एंथ्रेक्स जो रोग है जो कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से फैलता है, तो इस जीवाणु की खोज किसने और कब की है, ठीक है। तो आप नाम याद रखेंगे रॉबर्ट, यहाँ पे है रॉबर्ट कोच, ठीक है रॉबर्ट कोच, और इन्होंने की है कब, तो 1876 में। डेट भी याद रखेंगे आप, 1876 में रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो किस रोग का कारक है, तो ये एंथ्रेक्स रोग का कारक है जो कि मनुष्य और जीव जंतु दोनों में फैलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की। चेचक के टीके की खोज किसने की, तो ये थे एडवर्ड जेनर, ठीक है नाम आप याद रखेंगे एडवर्ड जेनर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोलियो किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखेंगे ये वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया एवं डेंगू के उपचार में किया जाता है, ठीक है। मलेरिया एवं डेंगू के रोग में किस पौधे के पत्ते का रस उपयोग किया जाता है, तो ये है गिलोय, ठीक है गिलोय के पत्तों का रस उपयोग किया जाता है मलेरिया एवं डेंगू के उपचार में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर पाश्चरीकरण, ये प्रक्रिया का नाम है पाश्चरीकरण, ठीक है। तो पाश्चरीकरण किया जाता है यानी जो आप लोग पैकेट वाला दूध देखते हैं ना, सुधा दूध वगैरह जो होता है पैकेट में डाल करके आता है, तो उन दूध को खराब होने से बचाने के लिए उनका पहले पाश्चरीकरण किया जाता है, ताकि दूध जो है अगर लंबे समय तक भी पैकेट में पड़ा रहे तो वो खराब नहीं होगा, ठीक है। इस दूध को हम लोग डायरेक्ट बिना उबाले भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, ठीक है। तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक जो है वो है घरेलू मक्खी, ठीक है। घरेलू मक्खी जो होती है वो देखिए पहले गंदगी से उठ करके और फिर आपके खाने पीने की चीजों में बैठती है और इससे वो क्या करती है, रोग फैलाती है ना। तो ये सबसे मुख्य कारक हो गई घरेलू मक्खी। फिर पूछा है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि हैजा किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है आप याद रखेंगे हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में है आपका कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देती हूँ। देखिए ब्रेड बनाने के टाइम में क्या होता है कि उसमें जो है यीस्ट वगैरह कुछ उसको मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरह से फुला बनाने के लिए है ना, ब्रेड को फुला बनाने के लिए उसमें जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं यीस्ट वगैरह का, जिससे क्या होता है कि वो जो है ना उसमें थोड़े टाइम तक छोड़ देने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है, जो भी ब्रेड का जो डो होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, और उसमें होता क्या है मेनली कि उसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है ना। और जब हम लोग के ब्रेड को बेक करने के लिए डालते हैं तो बेक होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्रेड से बाहर निकल जाता है, और इसी कारण से ब्रेड के अंदर जो
आप देखेंगे कि अंदर थोड़ा थोड़ा छिद्र जैसा हो जाता है, जिसके कारण पोरोटी जो है बहुत फूल जाती है ना। तो ये उस समय वहां पे कौन सा गैस निकलता है, उसी समय वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से बनाया गया है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस जो निकल जाती है तो वही जगह पे जो है ब्लैंक्स हो जाता है वो जगह, जो कि पहले गैस जो है छेक करके रखती है, और फिर बाद में गैस के निकल जाने के बाद जगह थोड़ी जो ब्लैंक हो जाती है ना, तो वो हम लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा ब्रेड फूल गया है, वो इसी प्रक्रिया के कारण से होता है, ठीक है। चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे, और इस पे आने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है आपका नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बट पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।